हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करदा सारे वधिया होंगे। लगभग सुबह दे 4 बज गए तो अपनी 4:30 बजे की फ्लाइट है, गेट ओपन हो चुके है, तो रश सीगा, सोचे एक छोटी जी वीडियो बना दिए। कोई भी पसेंजर हूँ ट्रैवल कर रहा, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, तो कई बार उन्होंने मन च डाउट होंगे कि RT-PCR टेस्ट जरूरत है या नहीं है। ये बड़ा डाउट आ फिलहाल दे आज दे टाइम, क्योंकि मैं इतने दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखा है कि काफ़िया दिक्कत पसेंजर आ रही है। तो ईवन कई एयरलाइनस, मतलब एयरलाइनस वाले भी आप पूछ लें, फिर भी अपने मन च डाउट रहा गा कि RT-PCR टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जो आप टेस्ट जो आप फ्लाइट बुक करते हैं, सारों पहले तो उन्होंने वैबसाइट पर चैक कर ले कि उन्होंने वैबसाइट पर जी आप डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं लास्ट वाली, तो उत्थे RT-PCR टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ये सब तो वड्डी गल आ कि उन्होंने रिक्वायर हैगा तो इतों करा लो, नहीं तो इवें करवा की कोई लोड़ नहीं है। तो इतने काफ़ी पसेंजर तो जिमें कि पता लग्यागा इदा ही पैसे ले जाते हैं टेस्ट का। चलो एक नॉर्मल चार्जिज है 300, बट पता नहीं दिन किन्ने RT-PCR टेस्ट करा कर देंगे। ईवन इन्हों पता होंगे गा कि डेस्टिनेशन की लोड़ नहीं हैगी, फिर भी वो RT-PCR टेस्ट कर देंगे। तो ईवन जी फ्लाइट आप बुक की आ, गेट नंबर 1 हैगा गा, तो उत्थे 1 नंबर गेट से जमा अंदर आप जा सकते हैं। अंदर गेट के अंदर जाके एक साइड से सारे काउंटरस बने हुए हैं जिते आप टिकट्स बुक कराने अंदर दी रास्ता हैगा गा, बट आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। 1 नंबर गेट से थोड़ा जहा उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक एरिया बनाया हुआ छोटा जहा जिते सारे एयरलाइनस वगैरह उत्थे बहिंदे आ, ते आप उन्होंने जाके पूछ सकते हैं कि आ मेरी फ्लाइट हैगी है, कि इस वास्ते RT-PCR टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है जी, आ छोटी जी वीडियो बनाई है, होप इस चीज़ को तुसी पसंद करोगे। तो ठीक है जी, थैंक यू।